जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। दोस्तों, हर किसी बच्चे का एक सपना होता है। जब हम किसी बच्चे से सवाल पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बहुत ही मासूमियत से कुछ न कुछ जवाब दे ही देता है। देवयानी एक ऐसी बच्ची जो अपने सपनों को साकार करना चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन विद रश्मि में। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में है देवयानी, जो कि सौसर छिंदवाड़ा जिले से है। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज देवयानी मेरे साथ में क्यों है। तो देवयानी में एक ऐसा हुनर छुपा है जिसका उसे बचपन में पता चला था। वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और स्केचेस बनाती है। तो आइए हम देवयानी से जानते हैं कि उसे कैसे पता चला कि उसमें ये हुनर छुपा है। तो देवयानी, आपको कब पता चला कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो, ड्राइंग्स बना सकते हो, और आप कितने साल के थे जब आपको पता चला कि आप में ये प्रतिभा छुपी हुई है? मुझे मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ आता भी है। तो मेरे जो पिताजी है, उनके एक मित्र है। अच्छा। वो एटीएम में काम करते थे। अच्छा। तो एटीएम में किसी काम से गए थे। तो वहाँ पे एक बैग मिला था उन्हें। अच्छा। उसमें ड्राइंग मटेरियल्स थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें ड्राइंग मटेरियल्स है। उन्होंने बाहर जाके देखा तो उन्हें कोई मिला नहीं। अच्छा। जो फिर तो वो मेरे पिताजी के दुकान गए और वहाँ पे उन्होंने रखे और मेरे पिताजी से कहा कोई आएगा तो उन्हें दे देना। तो पिताजी की दुकान पर कोई आया नहीं। अच्छा। तो पिताजी फिर घर ले गया। अच्छा। फिर मैंने देखा कि क्या लाया है पर। हाँ। तो देखा तो उसमें ड्राइंग मटेरियल्स थी, ड्राइंग बुक थी। अच्छा। और उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। तो तुमको बहुत आकर्षित किया वो सब देखकर? तुम बहुत आकर्षित किया मुझे। उसमें जो कलर्स थे, जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसे देख के मैं कोशिश करती थी धीरे धीरे। फिर जिस तरह से कोशिश करती थी तो मुझसे मतलब वो बनता था। अच्छा। तो फिर मैंने तो देखा जैसे कि जैसे मुझे तुम कोशिश करने लगे, जैसे हाँ। जैसे तुम बनाने लगे, तुम्हारा और ज्यादा इंटरेस्ट हाँ, बढ़ता चला इंटरेस्ट गया। पड़ गया और देखने लगी कि मुझसे भी हो रहा है ये। हाँ। सब। तो फिर मैं स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। तो धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँची। तो देवयानी, आपको वो बैग में एक खजाना मिला था जिसे देख के आप बहुत ज्यादा आकर्षित हुए और धीरे धीरे आपको पता चला कि आप में ये हुनर छुपा है। तो ये आप घर में बैठ के ही करते हो प्रैक्टिस, कि आपने कुछ क्लासेस, कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए? हाँ, मैंने एक बार किया था। अच्छा। मेरे बुआ के घर गई थी मैं। हाँ। तो वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन की थी, 2 महीने की थी। अच्छा। फिर मैं वापस आ गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगा था। मैं घर आ गई थी और घर पे करने लगी। अच्छा। हमारे पास कुछ मोबाइल वगैरह नहीं था। तो पेपर में जो फोटोज आते थे, जो ऐसे पेपर्स थे, तो उनको देख देख के मैं बनाती थी। जो न्यूज़पेपर में आते थे फोटोज बच्चों की जो आती है, उसको फॉलो करके तुम घर पे करती थी। तो देवयानी, आप पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा क्या बनाना पसंद करते हो? मैं पेंटिंग्स में ज्यादातर स्केचेस स्केच करती हूँ। कलर मैंने ज्यादा नहीं किया। मैंने पहली बार इतना कलरिंग किया है, मतलब 12 कैनवास मैंने पहली बार तैयार किया और कैनवास का यूज भी मैंने पहली बार ही किया है। और स्केचेस मैं पहले से ही करती थी, पेंसिल से करती थी। तो अभी एट प्रेजेंट तो तुम पेंटिंग्स कर रहे हो, और अभी तुमने काय में एडमिशन लिया है? मैंने बीए में एडमिशन लिया है। तो तुम्हारा अभी क्या इंटरेस्ट है, आगे तुम काय में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करियर और काय में बनाना चाहते हो? अब हमारी फाइनल कंडीशन को देख के मैं बीए में ही करूँगी। अच्छा। और फ्यूचर में क्या ड्रीम है, तुम अपना पेंटिंग्स में करियर बनाना चाहते हो कि बस इसको हॉबी जैसा ही लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हो? पेंटिंग्स में। अच्छा। तो तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम किस चीज में मतलब एडमिशन लेना चाहते हो या फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो? फाइन आर्ट में करना चाहते हैं ग्रेजुएशन। तो दोस्तों, आज हम देवयानी की कुछ पेंटिंग्स देखेंगे जो उसने बहुत ही अच्छे से पेंट की है। Thank you.
थैंक यू सो मच देवयानी, आप यहाँ पर आए और आज आपने चिल्ड्रंस डे पर बच्चों को बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाकर दिखाई, उनको कुछ एक इंस्पिरेशन दिया, सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आशा करते हैं कि आपका जो ड्रीम है फ्यूचर में, आप पेंटिंग्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वो आपका ड्रीम जल्द से जल्द पूरा हो और आपको बहुत बहुत सफलता मिले आपके करियर में। तो ये हम सबकी बहुत ही हार्दिक इच्छा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम सभी देवयानी के लिए विश करेंगे कि उसके सपनों के पंखों को जल्द से जल्द उड़ान मिले और वो बहुत ही जल्द अपने सपनों को साकार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।